Political use of violence. In this session, we are going to discuss the topic of political use of violence. Because political use of violence means hatred of other people for the purpose of getting power and legitimacy. Political leaders consolidate power by supporting their rivals and nationalistic ideas. फिंगर पॉइंटिंग एंड द यूज़ ऑफ हेट बाई पोलिटिकल लीडर्स गिव राइज टू वायलेंस इनकेस ऑफ अप्रेशन एंड और चिनासाइड पोलिटिकल यूज ऑफ वायलेंस कहाँ से राइज करती है वेन नॉर्मली लीडर्स ट्राई टू एक्सप्लॉय दीपल इन देयर विद देयर लॉयल्टी टू द ओपोनेंट अगर आप मेरे साथ हैं मेरी फेवर में है तो मेरे मुखालिफ को भी आप अपोज़ करेंगे तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि सियासत में लीडर अपने मकासद के हसूल के लिए लोगों को यूज़ करेगा किसके खिलाफ़ अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ तो उससे जो पूरी की पूरी एक एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाती है और लोग जो हैं वो वायलेंस की तरफ चले जाते हैं इस पर आम तौर पर हमने दुनिया में देखा कि जो जिनोसाइड की जो टर्म है वो यूज़ हुई और इसके अंदर आम तौर पर क्या है कि लोगों का कत्लेम किया जाता है अपनी पॉलिटिकल पावर को इन्हेंस करने के लिए और अपने मकासद के हसूल के लिए हमने बहुत सारे हिस्सों में दुनिया के अंदर देखा कि हकूमतों ने सियासी हकूमतों ने अपनी पावर को अपने कंट्रोल को ज़्यादा मौसर करने के लिए इफ़ेक्टिव करने के लिए लोगों का कत्लेम जो है वो किया है फिर इसके साथ साथ एथनिक क्लेंजिंग की टर्म जो है वो भी यूज़ होती है इसमें क्या चीज़ है कि जो आपकी ज़ुबान वो ज़ुबान नहीं बोलते लोग जो आपकी ज़ुबान है और मुखालफ ग्रुप जो है उसकी ज़ुबान मुख्तलफ है या उसका महब मुख्तलफ है या उसकी सकाफत मुख्तलिफ है तो इस सिचुएशन के अंदर इस पहचान की बुनियाद पर आइडेंटिटी की बुनियाद पर मुखालफन को सफाई हस्ती से मिटाना और उनके नामों नशान को ख़त्म करने की खातिर उनको बेरहमी से मारना ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक इम्पोटेंट ट्रेंड रहा है जो दुनिया में टाइम बाय टाइम जो है वो हमें नज़र भी आया और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने उसको एक्सपीरियंस भी किया है इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि सामने जो है वो कोई आदमी है औरत है या बच्चा है बहुत सारी दुनिया के अंदर इसकी मिसालें हैं जहाँ बहुत बेरहमी के साथ मुखालफन को महज उनकी मुख्तलिफ शनाख्त की बुनियाद पर जो है वो मारा गया है और फिर एक और इम्पॉटेंट बात जो है अपने दुनिया के अंदर जो बड़े ममालिक हैं जो एक वक्त में सुपर पावर्स थी जैसे जैसे अमेरिका है जैसे सोवियत यूनियन था वहाँ उन्होंने इस इस प्रैक्टिस के बारे में बाजा कमेंट्स भी किए बात उन्होंने बाकायदा तौर पर मूव रेजोलूशन भी पास करवाई लेकिन हमें ये लगा कि उनके मुखालफत या उनके कहने से ये चीज़ें जो हैं वो दुनिया की सियासत से ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो बड़े ममालिक होते हैं वो इन मजालम से आगाह भी होते हैं और बात तो यूँ लगता है कि वो किसी एक पार्टी की सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं कारमा ज़रूर रहे हैं अगर डायरेक्ट उनका नाम नहीं आता तो इनडायरेक्टली उनकी पार्टिसिपेशन या उनका बैकअप जो है वो पॉलिटिकल यूज़ ऑफ वायलेंस में हमें खातर का नज़र आता है फिर हम दुनिया के अंदर ये भी जानते हैं कि जहाँ कहीं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की खातिर पॉलिटिकल पर्पजेस की खातिर भी बड़े ममालिक ने मेजर कंट्रीज़ ने और फिर खुद कुछ ऐसे जो तो बहुत ताकतवर नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने मुखालफी को बहुत बेरहमी से मरवाया ताकि वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसे रवान्डा की एग्जांपल है आर्मेनिया की एग्ज़ाम्पल है और फिर इस वक्त भी हमें ये नज़र आता है कि दुनिया में वो ममालिक वो फ़ोर्स जो अपनी पोलिटिकल पावर को ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं वो इस वायलेंस के टेक्टिक को यूज़ करते हैं अपनी पावर को ज़्यादा करने के लिए पावर को इन्हेंस करने के लिए तो हिस्टोरिकली पॉलिटिकल यूज़ ऑफ़ वायलेंस हमेशा से मौजूद रहा है और आज की मॉडर्न टाइम पीरियड में व्हेन देर इज़ अ टाइम ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन देर इज़ अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया स्टिल द वर्ल्ड इज़ फेसिंग मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स व्हेन देर इज़ अ पॉलिटिकल यूज़ ऑफ़ वायलेंस दैट इज़ क्वाइट अपियरेंट इन मैनी शेप्स एंड इन मैनी एग्ज़ाम्पल्स वी कैन सी एंड वी कैन एनालाइज So this is quite alarming in the 21st century that there is still political use of violence exists in the world politics.